अगर आपको लगता है सिर्फ लड़कियां ही हॉट होती है, ना भाई ना, अपनी तो बुलेट भी हॉट है भाई, ये तो हिट मारेगा, इसका नेचर है। तो क्या हालचाल दोस्तों आप सभी के, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहना। तो स्वागत है आप लोगों का अमन पाठक व्लॉग्स में। और मेरे भाई आज के व्लॉग में हम निकालने वाले हैं अपनी बुलेट क्लासिक 350। वो क्यों निकालने वाले हैं, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि भाई ये जो इतनी ज़्यादा हीट होती है ना बुलेट, जो नीचे के पैर के साइड की जो इतना ज़्यादा हीट मारता है या स्मेल आती है, वो क्यों आती है एक्चुअली में, तो उसी के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ। सर्विस भी करवा रखी है मैंने, अभी जस्ट 2 महीने पहले सर्विस करवाई थी। इतनी ज़्यादा मेरी बुलेट चलती भी नहीं है और तभी भी एक्सेसिव हीट को लेके मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। इवन कल तो मैं चप्पल पहन के चला गया था भाई, हद हीट मार रहा था, लग रहा था पैर जल जाएगा। और मैंने बस 10 से 20 किलोमीटर चलाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं अपनी बुलेट को लेके थोड़ी एकांत जगह पे, थोड़ी सी शांत जगह पे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में जो मेरे को दिक्कत हुई ना भाई बाहर वीडियो बनाने में, पूछो मत, ऊपर से एडिटिंग के टाइम में और दिक्कत हो जाती है। तो फटाफट लेके चलते हैं अपनी बुलेट को और देखते हैं भाई क्या क्या सॉल्यूशन अपना सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन है और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए बुलेट के साथ जिसके वजह से हीट होती है। तो बस ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, वीडियो पूरा एंड तक देखना, मज़ा तो बहुत आएगा। और बुलेट लवर हो तो वीडियो ये आपके लिए है, ठीक है? तो बस वीडियो एंड तक देखो, निकालते हैं अपनी बुलेट, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो भाई फाइनली मैं अपनी बुलेट लेके आ गया हूँ एक खाली मैदान में, जहाँ पे यार ये शोर शराबे वाला सीन ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये अपनी बुलेट जो है बिल्कुल रेडी है रिव्यू देने के लिए और मैं आपको बढ़िया वाला रिव्यू देने वाला हूँ। और भाई पूरा एंड तक देखना ये वीडियो, बहुत ही मज़ा आएगा और रीज़न पता चल जाएगा, सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन है जो हम अपना सकते हैं इसको हीट होने से, ठीक है? तो आज फटाफट से देखते हैं। तो भाई अब फटाफट रिव्यू चालू करते हैं और देखते हैं कि ये हीट होती क्यों है आखिर में, ठीक है? तो आओ फटाफट से जानते हैं। सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि जब भी आप अपनी बाइक चला रहे हो, ये चीज़ ध्यान में रखो। आ जाओ भाई बुलेट में बैठ के, वैसे यार रॉयल फील तो आता है भाई, कुछ भी कह लो। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हो एंड जैसे ही फर्स्ट गियर पे मैंने डाली, जैसे फर्स्ट गियर पे डाली तो ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं थ्रोटल। आपको फर्स्ट एंड सेकेंड गियर पे थ्रोटल नहीं देना है। अगर आपने थ्रोटल दोगे, थ्रोटल देने से क्या होता है, आपकी बाइक का आरपीएम बढ़ जाएगा और भाई आरपीएम बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ही बात है क्या होगा, हीट होगी भाई। सेकेंड पॉइंट जो है हीट का, गर्म होने का इशू, वो ये है कि इंजन ऑयल। आ जाओ, सबसे सेकंड चीज़ जो है ना भाई ध्यान रखना है, ये जो इंजन ऑयल है ये है मिनिमम, ऊपर है मैक्सिमम, इसके बीच में होना चाहिए आपका इंजन ऑयल। अगर मिनिमम से नीचे जाएगा तो भाई हीट तो पक्की मारेगी, लिख के दे रहा हूँ मैं, हीट मारेगी भाई। देखो यार तीसरा सॉल्यूशन तो बहुत तगड़ा है, वो चीज़ है जो कि प्रिकॉशन है, जो आपको ध्यान रखना ही रखना है भाई। वो ध्यान ये रखना है कि चप्पल पहन के बुलेट नहीं चलानी, चप्पल पहन के चलाओगे पैर जलने के पूरे चांस रहेंगे भाई, ठीक है? देखो मान लो मैंने यूँ चला रहा हूँ, अब मान लो मैं चप्पल पहन के चला रहा हूँ, मान लो बैलेंस बिगड़ा या पैर इसमें अंगूठा टच हो गया, कुछ हो गया, तो मेरा पैर की तो बैंड बच जाएगी 100%, मेरा पैर तो जलेगा ही जलेगा भाई। तो इससे बेटर है कि आप शूज़ पहन के चलाओ। मैं चप्पल पहन के इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे घर से कितना किलोमीटर था, 2 किलोमीटर के आसपास है, 2 किलोमीटर की दूरी पर आ गया हूँ पार्क में वीडियो बनाने, तो मैंने सोचा चलो चप्पल पहन के चले जाते हैं यार, ठीक है? वरना तो भाई नाइकी जॉर्डन पहन के आता तुम्हारा भाई, वह देख रहे हो। देखो भाई चौथा पॉइंट जो है बहुत ही मेजर पार्ट है जो कि आपकी बुलेट को हीट नहीं होने देगा, वो ये है कि मान लो अगर आप अपनी बुलेट चला रहे हो, 40-50 किलोमीटर चला दी है और उसके बाद अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो भाई हीट गंदी मारेगी। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई ब्रेक देने वाली, भाई ब्रेक देनी पड़ेगी वरना ओवर हीट का इशू हर एक बुलेट में आता है। ये नहीं है कि कोई यार ये नई वाली क्लासिक में ही आ रहा है या भाई पुरानी वाली स्टैंडर्ड में आता था, बुलेट की जितनी भी बाइकें हैं वो हीट मारती है क्योंकि इंजन हैवी है भाई। भाई वो आ रहा सुना है, फीचर देख के कार नहीं लेने, इंजन तगड़े चाहिए वे, ऐसा ही भाई इसका इंजन जो है ना, इंजन के वजह से फेमस है ये, ठीक है? तो आप लोगों को ब्रेक देना पड़ेगा, ब्रेक दोगे एटमोसफेयर की जो एयर है ना वो इसमें जाएगी एंड वही हमारे इंजन को कूल कर सकता है और कुछ भी चीज़ को कूल नहीं कर सकती। आप बर्फ़ डाल लो, पानी डाल लो, इंजन नहीं होगा। आपको वेट करोगे थोड़ा कूल हो जाएगा भाई, कूल, थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है, समझ रहे हो? जैसे रिलेशन में ब्रेक देते हैं ना बीच बीच में, जो मेंटेन होता है, ऐसे यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको लगता है सिर्फ लड़कियाँ ही हॉट होती है, ना भाई ना, अपनी तो बुलेट भी हॉट है भाई। भाई वैसे यार बुलेट तो बुलेट ही है, मैं आपको अब होनेस्ट रिव्यू इन लास्ट दे दूँ ना, कुछ भी सॉल्यूशन अपनाओ ना अपनाओ भाई मैं नहीं अपनाता। मैं जैसे चला रहा हूँ, हीट हो रही है, हो रही है भाई, बाइक है मैंने ली है बाइक चलाने के लिए, क्या भाई सही बोल रहा हूँ, मैंने बाइक ली है चलाने के लिए, मैं तो फुल डैल मारूंगा भाई, मेरे को बाइक चलानी है चलानी है, हीट मारे या कुछ कोई भी दिक्कत आए सह लेंगे, हमें बुलेट लेनी है तो लेनी है। इसलिए मैंने बुलेट पे खर्चा किया भाई इतना ज़्यादा पैसा, और मैट ब्लैक पूरी से ले ले क्योंकि थोड़ा सा गैंगस्टर लुक आता है, बट तुम्हारा भाई गैंगस्टर नहीं है, बट फिर भी यार गैंगस्टर वाली फील आता तो मज़ा आता है ना। देखो भाई बुलेट तो बुलेट है, स्कूटी के बाद जब मैं इससे बैठता हूँ ना तो लगता है भाई साहब कहाँ बैठ गया हूँ, वैसा लगता है जैसे
कॉस्को की बॉल के खेलने के बाद लेदर से खेलो ना, बहन जो वो वाला फील आ जाता है यहाँ पे इससे बैठने के बाद। क्या भाई दिनेश, तो बात सही है। आओ भाई एक बार जो हमारी वीडियो शूट कर रहा है एक बार इससे लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने अभी घुमाया था बाइक पे। आओ बता भाई कैसा, मतलब कैसा वो है भाई? बैठने में तो मजा आता है भाई, पक्की बात है। रॉयल फील आती है, रॉयल फील आती है। लगता है मैं जो बैठे हैं किसी चीज़, बैठे हैं भाई, लगता है लगता है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा है मतलब तेरा की, मतलब सबसे बता मतलब तू अभी तो घूमा है। एक्सपीरियंस तो भाई बहुत अच्छा है, तो क्या ही रहा हूँ, स्कूटी से स्कूटीज के मुकाबले तो बहुत बेटर है। मैं सच बता रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ भाई, 10 महीने हो गए मेरी बुलेट को, भले चलाई मैंने कम है बट रिव्यू इज जेन्युइन। हीट मारेगा ये, इसका नेचर है, मारने दो ना हीट यार। बंदी के नखरे उठाते हो ना, पता ही है बंदी एट द एंड छोड़ के जानी है, तो वह टेंशन क्यों लेनी है। ये तो हीट मारेगा, इसका नेचर है, जैसे आपकी बंदी का नेचर है वैसे इसका नेचर है, ये हीट मारेगा। कुछ भी कर लो आप, मेरे हिसाब से कोई आपको ये चीजें नहीं बताएगा जो कि चीज मैंने लास्ट में बताई है कि ये हीट मारेगा ही मारेगा, कुछ भी कर लो। और बाकी जिसको इस बाइक से प्यार होगा ना भाई, वो लेगा, चाहिए हीट मारे चाहिए कुछ मार दे, ठीक है। बुलेट जो है ना, कोई कितना भी कुछ कह ले अरे यार ये ऐसी है वो वैसी है, ठीक है, इसके साथ लॉयल रहना भाई, इसको जिस चीज़ की जरूरत है ना भाई इसको देते रहो। बंदी को भले कोई चीज़ दो ना दो, इसमें भाई इंजन ऑयल भरवा के रखो, बहन चो मॉडिफाई करवाओ, जो करवाना है करवाओ, एक नंबर रखो, क्योंकि इससे जो प्यार है ना भाई, मतलब मेरे को जो स्पेशली प्यार है, अटूट प्यार कहते हैं ना, अटूट प्यार, वो वाला प्यार है, ठीक है। तो चलो यार, अब मैं वीडियो को भाई यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर आप लोगों को यार ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्या करना है भाई, क्लिक नहीं करना, वो पत्थर फेंक के मार देना, कुछ भी कर देना, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।